वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल प्राइम। प्रोफेशनल प्राइम में आज हम सीखेंगे कि टेलीप्रेम में पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे करें। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, दो ठो फॉर्मेट बनी हुई है पेमेंट वाउचर की। एक है 10 लाख रुपये की और दूसरी है 4 लाख रुपये की। और इसका वाउचर नंबर दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है और ये पेमेंट किसको दिया गया, उस पार्टी का नाम दिया गया है, पेमेंट मोड क्या है, A to Z यहाँ पर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि टेलीप्रेम में इसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे। उससे पहले आप मेरा ये प्रोफेशनल चैनल प्राइम जो है, इसको आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको इन सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं टेलीप्रेम पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी पार्टी का है। ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसका लेजर हम खोलेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल इस 14,03,075 रुपये का इससे माल परचेज किया गया है और इसमें एक भी पेमेंट की एंट्री अभी तक नहीं हुई है। सबसे पहला एंट्री हम करेंगे यहाँ पर 10/5/2021 की एक पहली एंट्री लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ से और डे प्रेस करेंगे और F5 प्रेस करेंगे, यहाँ क्लिक कर सकते हैं आप। और 10/5 की डेट में हम यहाँ पर बैंक पेमेंट करेंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड को 1,2,3,6,10 लाख रुपये और न्यू रेफरेंस नंबर डाल देंगे। और यहाँ पर इसको हम बाय चेक या जिस तरह से इसकी ट्रांजेक्शन टाइप हो वो यहाँ पे आप डाल करके इसको फिल कर देंगे। और यहाँ पे नरेशन फिल करने के बाद इसे सेव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 लाख रुपये की पेमेंट की एंट्री हो चुकी है। अब इस पेमेंट की एंट्री को इस परचेज अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो ये चलते देखते हैं। 10 लाख रुपये यहाँ पर है, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और आ जाएंगे डायरेक्ट इस सब को सेव करने के बाद यहाँ पर। और पूछ रहा है कि अगेंस्ट रेफरेंस, कौन से अमाउंट के रेफरेंस में ये सारे माल परचेज होके आए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर में दिया हुआ है 10 लाख रुपये, तो यहाँ 8,32,000 की ये है टोटल। तो 8,32,000 रुपये यहाँ टाइप करेंगे और इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट की भी एडजस्टमेंट ऐसे ही करनी है। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर के फिर अगेंस्ट पूछ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि 10 लाख में से मेरा 1,68,000 रुपया अब बैलेंस बचा हुआ है। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जितना का ये अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है और इसे हम सेव कर देंगे। तीसरा है ऑप्शन मेरा इंटरेस्टेड परचेज, यहाँ पे फिर हम आ जाएंगे। इसको भी हम चेक करेंगे कि 10 लाख में से मेरा ड्यूज बचा हुआ है या नहीं। आप देख रहे हैं कि अभी भी 81,500 रुपये बैलेंस है, तो उसमें से ये पेमेंट लेकर के इसे हम सेव कर देंगे। अब ये तीनों की हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। ये कौन से 6/6 में है, 6 जून 2021 को 4 लाख रुपया फिर मैंने पेमेंट किया। तो यहाँ पर फिर एक पेमेंट की एंट्री हम ले लेंगे 6/6 में बाय बैंक ABC पेमेंट 4 लाख, 1,2,3,4,5,4 लाख रुपये। यहाँ पर देंगे न्यू रेफरेंस नंबर 2 और सेव कर देंगे। अब हम आ जाएंगे इस अमाउंट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4,80,000 का है और हम सबसे पहले इस अमाउंट को एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ जाएंगे और अगेंस्ट रेफरेंस में हम देखेंगे, ये मेरा पहले वाला ड्यूज में से 76,995 रुपये बचा हुआ है। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 76,925 रुपया, 76,925 रुपया। और बाकी के जो ड्यूज बचे हैं उसे हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस नंबर में डाल करके यहाँ सेव कर लेंगे। अब जो इसका जो ड्यूज बच गया है न्यू रेफरेंस में, उसको हम इस अमाउंट के साथ अब एडजस्ट करेंगे।
यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे एंड प्रेफरेंस में जाएंगे, और ये वाली अमाउंट जो मेरी बच गई है 4,03,075, इसको अब इस अमाउंट के साथ एडजस्ट करना है। तो 4 लाख का ही है, तो यहाँ पे 4 लाख ले लिए हैं और इसको हम सेव कर चुके हैं। अब देख रहे हैं कि मेरा ड्यू जो बचा हुआ है कितना, उसका बैलेंस चेक कर देख रहे हैं कि यहाँ पे 1,075 रुपया ड्यू दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर जो आप एंट्री किए हैं यहाँ देखिए 3,075 रुपया ड्यू दिखा रहा है। ओके, तो इसकी भी एडजस्टमेंट हमको करनी है इस तरह से। तो आइए दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आ गए हैं। अभी ये मेरा 2 लाख रुपया जो है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको न्यू रेफरेंस में रख के सेव कर लेंगे, और न्यू रेफरेंस में रखने के बाद इसको हम यहाँ पे इस अमाउंट के साथ एडजस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यही 4 लाख रुपये का मैंने जो ले लिया है, तो यहाँ पे 1,075 रुपया यहाँ पे ड्यू दिखा रहा है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में भी 1,075 ड्यू आ रही है। तो इस तरह से हम पेमेंट की एंट्री भी करेंगे और वाउचर के साथ इसका एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो आज आपने सीखा कि पेमेंट की एंट्री कैसे टेलीग्राम में की जाती है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस चैनल पे, और एक करके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।